शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। बीएसई का सेंसेक्स महज एक महीने में 10,000 अंक की बढ़त दर्ज करते हुए 80,000 के पार हो गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन यानी कि 4 जून को सेंसेक्स 70,000 के स्तर पर था। 4 जुलाई को ये इंडेक्स 80,000 के ऊपर बंद हुआ। महज एक महीने में ही सेंसेक्स ने 14.4% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने पिछले एक साल में 22% और 5 साल में 102% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ब्रोकर्स का अनुमान है कि बाजार में तेजी का दौर जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि जो लोग स्टॉक्स में सीधे निवेश करने से डरते हैं, वो बाजार की तेजी का फायदा कैसे उठाएं? जो लोग कम रिस्क के साथ शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए निवेश शानदार ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग निवेश के लिए मार्केट में करेक्शन होने यानी बाजार के थोड़ा नीचे आने का इंतजार करते हैं। तो क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए बाजार में गिरावट का इंतजार करना चाहिए? सही मायनों में देखें तो बाजार कब चढ़ेगा और कब नीचे आएगा, इस बारे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लंबी अवधि के नजरिए से निवेश कर रहे हैं तो कोई भी समय खराब नहीं होता। आंकड़े बताते हैं कि जिन लोगों ने सेंसेक्स के रिकॉर्ड 50,000, 70,000 और 75,000 के स्तर पर इक्विटी फंड में निवेश किया, उन्हें भी डबल डिजिट में रिटर्न मिला है। पिछले 8 साल से लगातार हर कैलेंडर ईयर में बाजार ने कम से कम एक बार ऑल टाइम हाई बनाया है। 2024 में तो सेंसेक्स 25 बार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। जिन लोगों ने 5 साल पहले इक्विटी में 10,000 रुपए महीने की SIP के जरिए निवेश किया था, कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें निवेश का कॉर्पस 10,00,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने निपॉन स्मॉल कैप फंड में SIP की थी तो 5 साल में कुल 6,00,000 रुपए निवेश किए, अब इस खाते में 15.8 लाख रुपए जुड़ गए, यानी सालाना आधार पर 35% का रिटर्न मिला। अगर ये निवेश HDFC फ्लेक्सी कैप में किया था तो इसमें सालाना 22% रिटर्न मिला। इस तरह 5 साल में कुल 12.1 लाख रुपए का फंड जुड़ गया। ICICI प्रू ब्लू चिप में 10,000 रुपए की SIP से 5 साल में 10.7 लाख रुपए का कॉर्पस बन गया। इस निवेश में सालाना 20% रिटर्न मिला, जबकि इस अवधि में सेंसेक्स का CAGR यानी कि सालाना रिटर्न 14.87% रहा है। अब सवाल यह है कि लार्ज कैप इक्विटी फंड में निवेश करें या स्मॉल कैप फंड में, और निवेश का सही समय क्या है? सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि निवेश में डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा रहता है। अपना पूरा निवेश कभी एक ही कैटेगरी में निवेश नहीं करना चाहिए। इसके लिए लार्ज कैप और फ्लेक्सी फंड अच्छे विकल्प हैं। अगर निवेश का नजरिया 5 साल से ज्यादा का है तो कुछ हिस्सा मिड और स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं। सोलंकी कहते हैं कि निवेश के लिए बाजार में गिरावट के लिए इंतजार करने में कोई समझदारी नहीं है। अगर आपके निवेश का नजरिया कम से कम 5 साल का है तो आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार की तेजी में आपको कम यूनिट मिलेंगी और गिरावट आने पर ज्यादा। इससे आपके निवेश का एवरेज बन जाएगा, जिससे लंबी अवधि में फायदा मिलेगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो बाजार में गिरावट का इंतजार ना करें। SIP के जरिए लंबी अवधि के निवेश में आपको फायदा ही होगा।